अभी तो वहां था, कहां चला गया? लगता है मैं कछु आदि की सोच रही हूँ, उसे तो चोट लगी थी, घर से अकेले बाहर क्यों आएगा वो? अब ऐसा तो है ना कि मैं सोचूं पर कान्हा सच्ची में मेरे घर आ जाए। ये तो सच्ची में कान्हा ही है। यशोदा भाभी और नंद भैया भी साथ में आए हैं क्या? पर वो दोनों तो कहीं दिखना रहे ना, कच्छो तो गड़बड़ है। चेतु मेरे ही घर आ रहे हो? सच्ची में है ना? कहीं मैं कल्पना तो ना कर रही? ये तो कान्हा ही है। भले ही चोरी चुप के आयो है पर है तो कान्हा। और मैं क्या कर रही हूं? ना ना, मुझे इसको भीतर आने देना चाहिए। ये द्वार खुल क्यों ना रही हो? यदि मैं इसके सामने पड़ गई तो मुझे पता कैसे चलेगा कि जो छुप छुप के क्यों आए हो? जैसे ही जे घर की देहरी के भीतर पाव रख दो, इसके प्रवेश करने से ही पूरा घर जगमगा जातो। कोई है तो ना? इसमें कछु तो है ही ना? वहां क्या खोज रही हो जे? जानती नहीं तो की थी, माखन में ना के रखू है और याद तो गड़ू में कुछ नहीं है। मैंने कब कही इससे? मैं तो बस सोच रही थी। तो क्या मैं भूल भूल के सोच रही थी? लग तो है अब भूखे पेट ही वापिस जाना पड़ेगो। माखन तो ऊपर टंगो है, पर यदि कान्हा ने देख भी लियो तो इतनी ऊपर तक जब पहुंच कैसे पाएगो? शीघ्र ही मटकी का ढक्कन गिर जाए ताकि उसकी ध्वनि कान्हा को फिर से यहाँ खींच के ले आए।
हे नारायण तनिक कृपा करो, कैसे भी ढक्कन गिरा दो ना। ना 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 कान्हा, बिना माखन का मत ही जा। कछू तो धनी आई थी यहाँ से। मिल गो इतना सारा माखन, अब आएगो आनंद। केवल मेरी इच्छाएं पूरी करने आए हो यहाँ? बहुत प्यार से माखन खिलाती। आज तो लल्ला के भाग का भी आपको ही खाना पड़ेगा। जी इतनी शीघ्र सो गए? आप खाओ जी। मुझे फंसा के बड़े आनंद से सुरू है, पर उसे क्या पतो कि जे भोजन कितना स्वादिष्ट है। जिसकी कल्पना भी ना की थी आज वो होगा। आज कान्हा मेरे घर पे माखन खा रहे हुए।
जी तो चोरी करने आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ ये बात सही है कि माखन की मटकी उतार के मैंने ही नीचे रखी थी, पर इसने भी तो बिना पूछे सारा माखन चट कर लियो। ये तो चोरी ही हुई ना। भाभी को पता चल गो तो उन्हें अच्छा ना लगेगा, कान्हा के साथ साथ मुझे भी डांट पड़ जाएगी। क्या करूं तू ही बता कान्हा। क्या होगा, इससे आभास हो गया क्या कि जो चोरी कर रहे हो? तू कौन है, वहां क्यों छुप के बैठो है? बोल ना, तेरा नाम क्या है और तूने मेरा जैसा मोर मुकुट क्यों पहनो है? जानकी ने तुझे भी पैरे पे तो बैठाया है या? अब हंस क्यों रही हो है? मेरी चुगली तो ना करेगो। सुन, जानकी को कछु मत बोलियो, वो ना बहुत बड़ी चापलूस है। चापलूस? वो सीधे जाके मैया को बता देगी। अब मैया मेरा घर से बाहर निकलना बंद करवा देगी। तुम मुस्करा रहे है ना, सब सुनाई दे रहे है मुझे? यदि मुझे तो फंसाने के लिए सोच रहे है तो मत ही फंसायो, मेरी चुगली मत ही करो। अरे हाँ, मटकी में अभी बहुत माखन है, हम दोनों बांट लेंगे। मुझसे मित्रता करोगे? क्या होगो, माखन खाए बिना कहाँ चले गयो? वो मैं ना, मेरा प्रतिबिंब है, और जो पहले दिख रहा था वो तेरा प्रतिबिंब था। प्रतिबिंब? प्रतिबिंब अर्थात तेरी छाया। मैं ऐसा दिखता हूँ? हाँ, चोरी करते हुए तो तू ऐसा ही दिखतो है कान्हा। मैंने रंगे हाथों पकड़ लिए हुए तुझे। अब सोच मैया क्या दशा करेंगी तेरी। कोई आवश्यकता ना है, मुझे पता है आपका पेट भर का है ना। बल्कि मुझे तो ये भी लग रहा है कि आजकल सच्ची में मैं आप पे बिल्कुल ध्यान ना दे पा रही। ऐसी? अब ना मत ही बोलना, ना जाने कितने दिनों से मैं आपको ठीक से भोजन ना दे रही, इसीलिए तो आज आप दो जन का भोजन अकेले ही खा गए। ऐसी कोई बात नहीं है सुधा। ना, मैं सब समझती हूँ, ना तो मैं अच्छी मैया बन पाई और ना ही अच्छी पत्नी। यशोदा, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे तुम तो बहुत अच्छी मैया हो और साथ ही संसार की सबसे अच्छी पत्नी भी। भोजन तो ऐसा बनाती हो जैसे माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हो तुम पर।
इसीलिए तो इतना भोजन खा सकूं मैं, और तुम्हें लगो कि इतनी अधिक मात्रा में भोजन करना मेरे लिए दंड बन जाएगा, जबकि सच्ची बात तो ये है कि मुझे बहुत आनंद आया, भोजन बड़ा स्वादिष्ट था। सच्ची? और नहीं तो क्या? तो पहले क्यों ना बतायो कि भोजन अच्छा बनो है, और हाँ लल्ला को भी बता देना कि मैं आपका ध्यान बहुत अच्छे से रखती हूँ। हाँ नहीं तो। हाँ लल्ला उठ जाए फिर बता दूंगा। हाँ जी, आज भारी दोपहर में इतनी गहरी नींद सो गई जी, इतनी सी खटपट भी ना हो रही। खेल कर आए यशोदा, थक गए होगे तो सो गए हो। वैसे इतना स्वादिष्ट भोजन करने के पश्चात तो मुझे भी नींद आ रही। भैया को बता दूंगी जानकी। बता दूंगी? हाथ पकड़ के सीधा उनके पास लेके जाऊंगी और बोलूंगी कि तूने चोरी से माखन खाए हो। ऐसा करोगी मेरे साथ? प्रभु हमें इसी समय यहाँ से 9:00-11:00 हो जाना चाहिए, रुक गए तो बहुत बुरा फंस जाएंगे दोनों। हाथ आऊंगू तब तो हाथ पकड़ के ले जाओगी मैया के पास। चोरी करते कान्हा पकड़ा, हुई चकित गोपी कैसा ये विकार, स्पर्श किया ज्यों भूली स्वयं को, हो रही दिव्य से काकार, हो रही दिव्य से काकार। पता है आज क्या हुआ? जानकी तू ठीक तो है ना? जब वहाँ क्या देख रही है? कौन है वहाँ? जानकी जानकी तू ठीक तो है ना? मिल गया जिसे खोज रहा था, मिल गया वो मुझे। जो गोकुल को विनाश के अंधेरे में धकेल देगा। कोई बहुत विकट असुर मिल गया है क्या महाराज? हाँ, जिसे कोई भी छलिया अपनी माया से पराजित नहीं कर सकता। ऐसा असुर मिला है मुझे प्राप्ति, जिसे किसी भी अस्त्र द्वारा नहीं मारा जा सकता। और उस असुर का नाम है दो। नहीं, नारायण चोरी नहीं कर सकते, अवश्य ये कोई पाखंडी है। यदि मेरा आभास सही है तो अब न ये मेरे क्रोध से बच पाएगा और न ही मेरे श्राप से, न ये मेरे क्रोध से बच पाएगा और न ही मेरे श्राप से। जानकी, जानकी को मैं ऐसी स्थिति में छोड़ के नहीं जा सकता।
गो, कछु तो बोल। कछु करना चाहिए मुझे, पर करूं तो क्या? वापिस गया तो जानकी और कस्तूरी पकड़ लेगी और मैया के पास ले जाएगी। समय पे घर पे ना पहुंचा तो पकड़ा जाऊंगा। हे नारायण, अब आप ही कोई सहायता करो जी, क्या हो गया जानकी को? कस्तूरी 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 जी, मेरा नाम किसने पुकारो? कौन है वहां? रानी भाभी, रानी भाभी तनिक सहायता करो ना। भाभी जे देखो ना, जानकी को क्या हो गो है? जानकी, जानकी क्या हो गया है? कस्तूरी तनिक जल लेकर आ। जानकी क्या हुआ? रहे प्रभु की बड़ी माँ थोड़ी देर में मैया को भी यहाँ बुला लेंगी? हाँ, और तो मैं निश्चिंत होके घर जा पाऊंगा। पर प्रभु, यदि मैया को घर से निकलने से पहले ही पता चल गया कि आप घर पर नहीं हैं, तो क्या होगा? ना कछु तो गड़बड़ है, कहीं चोट लगने का तो प्रभाव ना है कि जे इतना सो रहा है? यदि मैया को आपकी अनुपस्थिति का पता चल गया तो क्या करेंगी वो? यशोदा, मुझे लगता है कि तुम्हारा मन ना आजकल ढूंढने लगो है कि कहीं से तुम्हें चिंता मिल जाए और तुम उसे व्यर्थ में ही ले लो। कहना क्या चाहते हो आप? यही कि तुम्हारा लल्ला कितनी शांति से सो रहा है और तुम यहाँ उसकी चिंता कर रहे हो। सुबह की चोट को तो कब का भूल गए हो? तुम ही बताओ, तनिक भी पीड़ा होती इसे तो इतनी शांति से सो पाते ना? तो बस, तो फिर चिंता मत ही करो, मैं रहूंगा ना इसी कक्ष में, ध्यान रखूंगा उसका। तो जे बोलो ना, आपको भी काना के जैसे चादर तान के सोनो। अरे ना, भरी दोपहर में कोई सोता है क्या भला? पक्की बात? हाँ पक्की बात, मैं लल्ला को ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे बहुत कार्य है, इतना सारा माखन इकट्ठा होगा है, पुराना होने से पहले इन सबका घी निकालना है। जानकी कह रही थी आएगी सहायता करने, तो कहीं ना है। और भले ही मैया को पता ना भी चला हो, बाबा तो इस समय प्रतिदिन आपके साथ खेलते हैं, यदि उन्हें पता चल गया तो? देखा मैया कितनी चिंता करती है तेरी। एक बार बाबा को पता चल गया तो फिर मैया को तो पता चलना ही है, उनसे अधिक देर तक छिपा नहीं पाएंगे बाबा। तेरी मैया ने मुझे इतना खिला दियो कि मुझे बड़ी तीव्र नींद आ रही, मैं यहीं तेरे साथ तनिक विश्राम कर लेता हूं। था मुझे यही होने वाला है, दोनों बाबा लल्ला आनंद से नींद लो, मुझे बहुत सारा कार्य करना है। चाहे बाबा को पहले पता चले या मैया को, आपके लिए तो दोनों ही स्थितियों में संकट है प्रभु। तीनों स्थितियों में मूली,
तीसरी स्थिति कौन सी प्रभु? वो भी तो पधार रहे हैं। वो कौन? जगत विख्यात महर्षि, अति क्रोधित स्वभाव वाले। प्रभु? महर्षि दुर्वासा, उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है, इतना कि देवराज इंद्र तक नहीं बचे। मेरा ऋषि दुर्वासा का घोर अपमान किया है तुमने देवराज इंद्र। जिस प्रकार से तुमने मेरी वरदान में दी हुई माला को ठुकराया है, उसी प्रकार से तुम्हारा पद तुम्हें ठुकराएगा और तुम्हारे साथ साथ अन्य सभी देवता भी अपने अपने पदों से नीचे गिरकर श्री विहीन हो जाएंगे। ये मेरा शाप है तुम्हें, ये मेरा शाप है तुम्हें, ये मेरा शाप है तुम्हें। उनकी अर्धांगिनी को भी उनकी क्रोध का सामना करना पड़ा। तुमने मेरी आज्ञा का अनादर करके मेरे सम्मान को भस्म कर दिया है कदली, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी क्षण भस्म के ढेर में बदल जाओगी। ये क्या किया महर्षि आपने? इंद्र को भी नहीं छोड़ा, देवताओं पे भी दया नहीं की आपने, और अब मेरी पुत्री को अपनी क्रोध अग्नि से भस्म कर दिया। मैं आपकी संवेदनाओं को समझता हूं ऋषिवर, परंतु यदि मैंने देवताओं को श्राप न दिया होता तो समुद्र मंथन भी न होता और उन्हें अमृत भी न मिलता, और अब मेरे श्राप से आपकी पुत्री और मेरी पत्नी कदली फल बनेगी, और श्री विष्णु जी की कृपा से सभी पूजाओं में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले फल होने का सम्मान प्राप्त होगा उसे। पर इससे आपके क्रोधी प्रवृत्ति को उचित नहीं ठहराया जा सकता। तपस्या की शक्ति को कम मत आगो मुरली, उन्हें सब पता चल चुका है। फिर तो फंस गए बुरी तरह से। अब केवल भयभीत करोगी, कोई उपाय भी सोचाओगी? प्रभु, इससे पहले कि ऋषि दुर्वासा या कोई और घर पहुँचे, आपको घर पहुँचना होगा, ताकि मैया किसी और पर विश्वास ही ना करे। तो चलो फिर। काना, लगी तो नहीं तुझे? भाग तो ऐसे रहता जैसे पीछे कोई चक्रवात आ रहा हो। चक्रवाती आ रो है ताऊ, रोड का चक्रवात। कैसे संभालूंगी मैं महर्षि दुर्वासा को? काना, कहाँ खो गया? और ये माखन क्यों लगा है तेरे मुंह पे? माखन? माखन? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुझे चुपचाप घर से निकलते हुए देखा, तो मैं इन सब को एकत्र करके तुझे ढूंढने निकल पड़ा। देखो देखो, उसके मुंह के साथ उसके वस्त्र पर भी माखन लगा है। लगता है माखन खा के ना माखन में डुबकी लगा के आया हो। खाना घर
कहाँ से? अकेले अकेले चला गो, अपने पक्के से कहाँ से पूछे तक ना तूने? मुझे भी ले सकता का ना, मेरी माया तो बिना पूछे माखन सुने भी नहीं देती। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है काना कि तूने माखन चोरी चुपके खाया है, और वो भी किसी अपरिचित के घर से? काना, किसी अपरिचित घर से ना खायो। मैं तो जानकी के घर गया था चुपके चुपके माखन खाने। हैं? प्रभु, अपना भेद स्वयं ही बता दिया सबको। मेरा अर्थ है कि जानकी का घर खुला था तो मैं भीतर चले गयो ना पूछे, पर वो तो सो रही थी ना, इसके लिए मैंने माखन बिना पूछे ही खा लियो। इसी को तो चोरी करना कहते हैं काना। चोरी? ताई जी को पता चल जाएगा तो क्या होगा तेरा? कौन बताएगा मैया को? हम बताए या ना बताए, तेरे मुंह और वस्त्रों पे लगा माखन स्वयं ही बता देगा। माखन तो आपके वस्त्रों पे भी लगा है दाऊ। ये तो तब लगा होगा जब तू मुझसे टकराया था। हाँ, मैया तो यही सोचेगी ना कि आप मेरे साथी थे। अब बताओ कौन बताएगा मैया को? वसंता भी ने तो सुना है, ये बताएगा। सोच ले वसंता, मैया को मेरी बुराई सुन के क्रोध आया तो? नाना, मैं ना बताऊंगा। जब तक मुझसे सीधे सीधे प्रश्न ना किए जाए तब तक मैं कुछ ना बताऊंगा। यदि यहाँ सत्यवादी मधुमंगल होता तो वो पक्का बता देता। तब तो अच्छा है वो यहाँ नहीं है। मम्मा, मैं बताऊंगा ताई जी को, क्योंकि मुझे ताई जी ने सब सूचना देने को कहा था। कब? सुबह जब मैं ताई जी को पूजा के फूल देने को गया था। सुन, तेरी आंख के सामने कछु उल्टा सीधा हो या कोई अत्यधिक शरारत करे तो सीधे आके मुझे सूचना दियो, समझ गो? ना बताएगो ना तो मैं कान्हा को बाहर भेजने की आज्ञा वापस ले लूंगी। ना ना, आप आगे वापस मत देना, मैं सब बताऊंगो। इसलिए आप ताई जी को बताना पड़ेगो। अर्थात मैया ने आपको बाहर भेजने से पहले ही गुप्तचर की व्यवस्था कर ली थी। मैंने वो जन दियो है। मेरी आंखों के सामने कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो मुझे सूचना देनी पड़ेगी। पर तेरी आंखों के सामने कुछ उल्टा सीधा हुआ ही ना। वो बातों में उलझा रखा ना, मुझे बताना चाहिए ना, ना तो अनुचित होगा बलराम। और सखा को फंसाना अनुचित ना होगा, क्यों दाऊ? ये निर्णय मैं कैसे करूं? तो और कौन करेगा? तो और कौन करेगा? टीचर, किचन इन्हें कैसे करोगे? कान्हा और शीदामा के बीच में कीचड़ फेंको प्रतियोगिता करते हैं। जो जीता सब उसी का ही साथ देंगे। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। तो मुझे भी स्वीकार है, पर नियम क्या होंगे? जो पहले थक जाएगा उसको हारा हुआ माना जाएगा, या फिर जो दो बार अपने विरोधी पर कीचड़ फेंक देगा वो जीत जाएगा। माखन चोरी की घटना के कारण महर्षि पहले ही क्रोधित है, अब कीचड़ से खेलता हुआ देखकर उन्हें और क्रोध ना आ जाए। कहना,
तेरा ध्यान कहाँ है? खेल आरंभ होने वाला है। अब चुनौती स्वीकार कर ली है तो खेलना तो पड़ेगा ही। तो फिर चलो। अरे हटो हटो, तनिक धुआं तो जाने दो। को तनिक नजर उतार लूं मैं। अरे वैद्य जी उपलब्ध ना है, मथुरा गए हुए हैं। इसकी स्थिति का उपचार किसी वैद्य के पास भी ना होगो, पर मेरे पास है। अरे अरे बस करो ये सब, ये अधिकतर समय यशोदा के साथ ही होती है, हो सकता है उसे कुछ पता हो। जा, कोई शीघ्र जाकर यशोदा को बुला ला, मैं बुला लाती हूँ। हाँ हाँ। मैं ही बनूंगा निर्णायक। नाना इसे ना बनना चाहिए, ये तो काना के हाँ में हाँ मिलाता है। बलदाव को ही बनना चाहिए निर्णायक। हाँ हाँ, बलदाव को ही निर्णायक करना चाहिए। मैं बिल्कुल सही था, जो बालक सबके घरों से माखन चुराए, जो कीचड़ से खेले, वो नारायण का अवतार कदापि नहीं हो सकता। ये अवश्य कोई छलिया है जो कृष्ण होने का स्वांग कर रहा है। इसे इसके अपराध का बहुत कड़ा दंड दूंगा मैं। इसे इसके अपराध का बहुत कड़ा दंड दूंगा मैं। ही बनने की सुगंध से दौड़ा चला तो है, जे सोच के कि मैया कछु विशेष बना रही है, तो जे तो अभी तक सो रहा है। बहुत समय हो गया है बिना कछु खाए पिए सो गया है। जाके उठाती हूँ। साधु महाराज तो बहुत क्रोधित लगते हैं। आज फिर फंस गो कौन? समाप्त ना हुआ श्री रामा, बच के दिखा। ये मैं जीत गो, मैं जीत गो।
मेरा ध्यान कहीं भटका हुआ था। ध्यान भटकने का दंड पायो, सीधा मानी जीत का अवसर गमायो। ये तो एक साधारण सा बालक है, ये भगवान नहीं हो सकता। पर मैं इसकी ओर क्यों खींचा चला जा रहा हूँ? मेरा क्रोध इसे देखते ही शांत क्यों हो गया? आपने नायक को बोल दाऊ, इन सबको बता दो मैं जीत गो। अवसर का लाभ उठायो कन्हने, इसे न जीता सकते हो आप। पर मैंने इसके सावधान करने के बाद ही कीचड़ फेंका था दाऊ। पर सावधान न था। खेल में तुम्हारा ध्यान भटका सीधा माँ, इस पे कान्हा की कोई त्रुटि नहीं है, इसीलिए नियमों के अनुसार खेल का विजेता कान्हा है। आप अपने भाई का पक्ष ले रहे हो? वो जो साधु महाराज खड़े है ना, उनसे पूछ ले, वो थोड़ी मेरा पक्ष लेंगे। तो चलो, साधु महाराज आप भी बताओ ना इसे, मैंने कोई छल क्यों है क्या? ये चोरी करता है, कीचड़ के साथ खेलता है, और अब इस पर छल का आरोप भी है। फिर भी मेरे मन में इस बालक के लिए स्नेह क्यों उमड़ रहा है? जब से मैं आई हूँ जैसी मूरत बनी खड़ी है। जितने भी उपाय संभव थे हमने सब कर लिए जशोदा जी। जानकी, ए जानकी, जी क्या होगा? तू कछु सुन पा रही है? मुझे उत्तर क्यों ना दे रही? क्या है सच? हो कौन तुम? क्या तुम सच में श्री नारायण के अवतार हो? मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें अपनी गोद में बिठा लूं, पर क्यों? महाराज आप बताओ ना मेरे सखाओं को, ये जानना चाहते हैं मैंने कोई छल क्यों है क्या? देखने में छली लग रहा है, पर इसकी ऊर्जा में एक विचित्र सी शुद्धता है, विलक्षण तेज है इसमें। लगता है साधु महाराज स्वयं ही भ्रमित हो गए हैं। भ्रमित हो गया हूं मैं, ये सच में भगवान है या केवल एक सुंदर सा बालक? हे प्रभु, इसे क्या होगा इसे? हे नारायण, इस निर्दोष का कष्ट दूर करो प्रभु, इस निर्दोष का कष्ट दूर करो प्रभु, इस निर्दोष का कष्ट दूर करो प्रभु। ये क्या हो रहा है प्रभु? मैया के जगाने पर भी जानकी जाग नहीं रही और आपको देखकर भी महर्षि पहचान नहीं रहे। जानकी अपने भगवान के साथ मेरे साथ एकाकार हो गई है। वो आपके स्पर्श से इस अवस्था में गई है प्रभु, इसका अर्थ है कि अब केवल आपका स्पर्श ही उसे इस संसार में वापस लौटा सकता है। मैया है वहाँ, उनमें मुझ में कोई अंतर नहीं है मुरली, उनका साथ
उनका स्पर्श मेरा ही स्पर्श है। जाके भगवान, जे तो चमत्कार हो गए हो। जी स्वस्थ हो गई, जानकी स्वस्थ हो गई। जा कुछ बैठने के लिए ला, तू ठीक है? हाँ? एक समस्या तो समाप्त हो गई प्रभु, पर दूसरी सामने खड़ी खड़ी आपको ही ताक रही है। लगता है जे हमारा समाधान ना करेंगे, हमें स्वामी निर्णय करना पड़ेगा कि कान्हा जी तो है कि ना। ब्रह्म की कोई बात ही ना है, कान्हा ही जीता है। चल से मिले जीत को जीतना कहते हैं। प्रभु ये किस अवस्था में है? ये भगवान के प्रति अपनी मान्यताओं और प्रश्नों की माया जाल में स्वयं ही उलझे हुए हैं मुरली। तो अब आप इनकी सहायता कैसे करेंगे प्रभु? माया जाल के उलझन को सुलझाना है तो बहन योग माया की सहायता तो लेनी होगी। जानकी, तूने ऐसा कुछ देखा था क्या? या ऐसा क्या छू लिया जिससे तू जीती जागती पत्थर की मूर्ति बन गई? मुझे ना पतो, कछु याद ही ना आ रहे हो। कोई आयो था क्या? मेरा कान्हा? हाँ भाभी, वो ही आया था। कब? पूरी दोपहर ही यही तो था। पर जानकी, कान्हा तो आनंद से विश्राम कर रहा है घर पे। ना भाभी, कान्हा तो यहाँ छुपके छुपके आया था। अरे पर जसोदा जी का लल्ला चुपके चुपके यहाँ क्यों आएगा भला? माखन चोरी करने। एक साथ दो दो कृष्ण, ये कैसे संभव हो सकता है? कौन हो तुम बताओ मुझे? बताओ मुझे कौन हो तुम?
देख जानकी, कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल। हुँ? ना भाभी, उल्टी सीधी कछु ना, सच्ची बोल रही हूँ। कान्हा यहाँ आया था और उसने चोरी से माखन भी खाया। लग तो है तू तो तन से सचेत हो गई है, किंतु तेरा मस्तिष्क अभी भी अचेत है, भ्रमित हो गई है क्या? ना भाभी, मेरी बात मान। कान्हा शांति से घर पे सो रहे हैं। भाभी आप मेरी बात मानो, सबसे अंत में कान्हा यहाँ आया था। ये देखो ये मटकी, इसी से माखन खाया था उसने। पर ये मटकी तो तेरे पास ही थी जब मैं आई थी। मुझे तो लगता है तूने अत्यधिक मात्रा में माखन खा लियो है, इसीलिए तेरा मस्तिष्क घूम गया है। नाना भाभी, मैंने ना कान्हा ने ही खाया है, और वो भी चोरी करके। देख जानकी, तू अस्वस्थ है, इसका अर्थ ये ना है तू मेरे कान्हा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगी और मैं सुनती रहूंगी। ना भाभी, पर मैं सच बोल रही हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी आप ही बताओ, मैं कान्हा पे गलत आरोप क्यों लगाऊंगी? मुझे स्मरण है अच्छी तरह से। क्या स्मरण है? यही कि कान्हा छुपके से घर के भीतर आया था। और द्वार खुला था? ना, द्वार तो मैंने खोला था और फिर छुप गई थी। लो कर लो बात, जिसे चोर कह रही है उसके लिए स्वयं द्वार खोल के अपने घर में छुप गई थी। और उस समय माखन कहाँ था? वो वहां टंगी हुई थी। मेरा इतना छोटा सा लल्ला इतनी ऊंची मटकी तक पहुंच भी गयो और माखन भी ले लियो, हाँ? नाना भाभी, मटकी तो मैंने स्वयं ही नीचे रख दी थी। क्या हो गयो तुझे जानकी? मटकी भी तूने स्वयं उतार के दी और कह रही है मेरे लल्ला ने माखन चुराया है। वो भाभी मैं बस देखना चाहती। बस अब बहुत होगा, अब मैं दिखाऊंगी कि पूरी दोपहर मेरा लल्ला घर से बाहर ना निकलो है। सब चलो चलकर देख लो, मैं झूठ बोल रही हूँ कि जानकी। चलो सब चलो चलकर देख लो, मैं झूठ बोल रही हूँ कि जानकी। चलो एक रही घर पहुँचना होगा, नहीं तो मैया सबके सामने झूठी सिद्ध हो जाएगी। के दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। सच में? या फिर आप अब भी यही विचार कर रहे हैं महर्षि कि भगवान इतने सीधे साधे कैसे हो सकते हैं कि चोरी चुपके माखन खाएं और साधारण बालकों के साथ कीचड़ में खेले? इन शंकाओं के कारण आप भूल रहे हैं महर्षि कि मैं किसी एक रूप से नहीं बंधा। जब सृष्टि को मात्स्य के रूप की आवश्यकता थी, तब मैंने मात्स्य अवतार लिया। जब संसार को हिरण्यकश्यप के संहार की आवश्यकता थी, तो मैंने नरसिंह का रूप लिया। जब एक योद्धा की आवश्यकता पड़ी, तब मैंने परशुराम का रूप लिया। और जब संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाना था, तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना। और इसी तरह इस बार मेरी आवश्यकता एक पुत्र के रूप में थी, इसीलिए मैंने पुत्र का रूप धारण किया। ये तो मैं समझ गया हूं प्रभु, किंतु मेरी शंका का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। पूछिए, परंतु शीघ्रता कीजिए, मैया के पहुंचने से पहले मुझे घर पहुंचना है। यही तो मैं जानना चाहता हूं प्रभु। कभी आप मैया के डांट से डर रहे हैं, कभी माखन चुरा कर खा रहे हैं, कभी मिट्टी से खेल रहे हैं। प्रभु ये कैसी लीला है आपकी? ये लीला नहीं महर्षि, ये तो प्रेम है। मेरे इस अवतार का आधार ही प्रेम है, भक्तों का, सखाओं का, गोपियों का,
और सबसे बढ़कर मेरी मैया का प्रेम। साधु महाराज, अभी कोई क्रिसमस शेष है? नहीं प्रभु, मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। आशा है कि अब आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो गया होगा महर्षि। शंकाओं के माया जाल से मेरा उद्धार करने के लिए और प्रभु के अद्भुत दर्शन करवाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है देवी योगमाया। प्रभु तो अभी आपके पीछे ही है महर्षि। अंतहीन तर्क वितर्क के बाद भी हम किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए हमें सहायता की थी साधु महाराज। हाँ, कान्हा ही है अंतिम विजेता। कान्हा जीत गया, कान्हा जीत गया, कान्हा जीत गया। तू तो विरोधी था, तो मेरी जीत का आनंद क्यों बना रहा है? क्योंकि मेरा भी विरोध क्योंकि खेल के साथ समाप्त हो गया। आप ताईजी को कुछ भी बताने की व्यवस्था ना है। तू बच गयो सका? बचूंगो तो तब जब सही समय में घर पहुंचूंगो। सांच को आँच ना होती जानकी, अभी भीतर चल, सब पता चल जाएगा। यशोदा पूरी नारी मंडली को लेकर क्यों आ रही है? कछु तो गड़बड़ है। यशोदा, मेरे लल्ला के बारे में जो कथा कह रही थी ना, वो कितनी झूठी थी अभी पता चल जाएगा। आओ आओ देख लो तुम सब, ताकि तुम सबको शांति मिल जाए। जय रो मेरा लल्ला।